एग्जाम्पल नंबर 5, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 14, एनसीईआरटी रैशनल नंबर्स, ओके। कह रहा फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब देखो, ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने लगोगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगानी जो हमने पीछे पढ़ रखी, ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे होगा। बात समझिए बच्चों, देखिए सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो। कैसे? देखो 2/5, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि ये क्रॉस का साइन और माइनस का साइन पास पास हो तो माइनस वाले रैशनल नंबर को ब्रैकेट में ले लेते हैं। ले लो आप, क्या जा रहा है आपका, ठीक। सो इनटू, फिर इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। एक तो ये बात, उसके बाद ये माइनस 1/14 को बच्चों ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान देंगे प्लीज, ठीक। देखिए ये लिखा माइनस 3/7 इंटू 3/5, इसको पता है आप क्या लिख सकते हो? सुनो, इसको आप लिख सकते हो प्लस, और 3/7 नेगेटिव है, इसको आपने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 3/7 इंटू में 3/5, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, समझो क्या किया आपने, यहाँ माइनस की जगह हमने क्या लगाया, प्लस लगाया, कैसे लगा रहा है अभी बता रहे हैं, रुक जाओ। और माइनस 3/7 को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में कर लिया, इनटू में हमने क्या कर लिया 3/5, ओके। अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये आपने कैसे कर दिया? बच्चों देखिए मैं आपको बताऊँ, ये हमने कैसे कर दिया, समझो, देखो कैसे कर दिया, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, समझो जरा, 2/5 इनटू -3/7, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ एक ब्रैकेट लगाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -1/14, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। बच्चों देखो, अगर हम इसको वापस से सॉल्व करें तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि -3/7 इंटू 3/5 वापस से ऐसा हो जाएगा जैसा क्वेश्चन में दिया था, बताओ। तो बच्चों अगर प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप समझ में आई बात? यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और इसको वापस ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन हमने अपना काम बनाने के लिए इसको ऐसा लिखा है, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब आप क्या करो, इसमें रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी लगाओ। कम्यूटेटिविटी लगाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, टर्म्स कैसे पहचानते हैं हम लोग, टर्म्स, ये टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ोगे, लेकिन बच्चों टर्म्स आर सेपरेटेड बाय, टर्म्स कैसे पहचानते हैं, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ठीक है। टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होते हैं, अभी समझा रहे हैं, रुको परेशान ना हो। देखो जैसे कि बच्चों कहीं पे लिखा है 2+5-7, बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, यस सर। देखो प्लस से पहले ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद ये सेकंड टर्म है, और माइनस के बाद ये थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा करके टर्म पहचाना जाता है। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ठीक। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करें, समझो जैसे लिखा है कहीं 2 × 5 - 7, है ना, और प्लस 3 × 9, लो अब कितने टर्म्स हैं बताइए। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ओनली, ओके। तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड ये सब नहीं देखना है, आपको केवल प्लस और माइनस देखना है, ठीक। तो सुनो यहाँ माइनस है, तो माइनस से पहले, अब ये मल्टीप्लाई उससे मतलब नहीं, तो माइनस से पहले जो कुछ भी लिखा है ये फर्स्ट टर्म है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, फिर माइनस के बाद और प्लस के बीच में जो कुछ लिखा है 7, ये सेकेंड टर्म है, फिर 3 × 9 हो गया आपका थर्ड टर्म, टोटल 3 टर्म्स है यहाँ पर। टर्म्स पहचानने आ गए, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बताइए यहाँ कितने टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, ठीक, 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -3/7 में। देखो माइनस वाले, ये वाले साइन से मत कंफ्यूज होना, ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। एक दो एग्जांपल और देता हूँ तब फिर क्लियर होगा, परेशान ना हो। देखो जैसे मान लो लिखा है 2 × -5, है ना, -7 × 9 और +3 × -7/2, अब बताओ कितने टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स है। कैसे, देखो 2 - 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला माइनस नहीं देखना है, ऐसा मत बोल देना कि 2 एक अलग टर्म है और -5 एक अलग टर्म है, टोटल 2 टर्म्स है, ना 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 ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जब भी आपको मल्टीप्लाई दिखाई पड़े तो जो भी टोटल मल्टीप्लाई में होता है 2 × -5, ये पूरा मिला के एक टर्म हो जाएगा, ठीक। 7 × 9, ये पूरा मिला के क्या होगा, सेकेंड टर्म, फिर 3 × -7/2, ये होगा आपका थर्ड टर्म, चेक कर लो, यहाँ माइनस लगा, इसके पहले फर्स्ट टर्म, माइनस के और प्लस के बीच में सेकेंड टर्म, और प्लस के बाद जो कुछ भी 3 × लग गया ना, तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है -7/2 में, तो ये हो गया आपका थर्ड टर्म। टर्म्स पहचानने आपको आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों,
जब टर्म्स पहचानने आ गए आपको, तो टर्म्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, याद रखिएगा। क्या मैंने बोला? टर्म्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। कैसे होता है, ध्यान से चेक करो। मान लो कि हमने लिखा 2 × −5, ठीक। इसको हमने पहले लिख लिया फर्स्ट टर्म, फिर आप लास्ट वाले टर्म को लिख लो, और जब लिखो टर्म्स को तो टर्म के आगे जो साइन होता है उसके साथ लिखा जाता है। तो अब हमने लिखा +3 × −7/2, ठीक। और फिर हमने सेकेंड टर्म को लास्ट में लिखा, सेकेंड टर्म साइन के साथ, है ना, −7/9। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। मतलब अगर हम टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बेसिक क्लियर करने के बाद आइए जरा हम यहाँ पर बच्चों इस सवाल को करते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए क्या है, 2/5 × −3/7 है, ठीक। और यहाँ पर भी क्या है, −3/7 × 3/5 है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको पास पास ले आओ, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने इसको एज इट इज कॉपी किया, 2/5 × ये कॉपी किया −3/7, ओके। अब ध्यान दें, ये फर्स्ट टर्म है, −1/14 में, ये 1/14 सेकेंड टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस आ गया ना, ये सेकेंड टर्म है। देखो चेक कर लो बच्चों, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा सेकेंड टर्म है, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है, ये पूरा आपका क्या है, थर्ड टर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टर्म के पास क्या ले आऊँगा, थर्ड वाला टर्म, साइन के साथ। इसका साइन क्या है, प्लस है, ठीक। अंदर जो ब्रैकेट में लिखा होता है ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। सो फर्स्ट टर्म कॉपी किया और प्लस क्या है, −3/7 है, इंटू में 3/5 है। अब लास्ट में मैं ये सेकेंड वाला टर्म लिख लूँगा साइन के साथ, तो −1/14 हमने लास्ट में लिख दिया, करेक्ट। बस हमने टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, ज़्यादा परेशान मत हो। फर्स्ट टर्म लिखा, प्लस थर्ड टर्म लिखा, और माइनस सेकेंड टर्म लिखा। इसको हम बोलते हैं क्या, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, कह रहे हैं हम पीछे इसको डिटेल में आपको पढ़ा भी चुके हैं, बाय कम्यूटेटिविटी, ठीक है। बट जब आप टर्म्स को ऐसा, टर्म्स का ऑर्डर चेंज करें, आगे पीछे करें, साइन कोई भी नहीं चेंज होगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है, जहाँ पे माइनस था वहाँ माइनस रहेगा, साइन कोई नहीं चेंज होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बट इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, ठीक। एग्जाम में आपको लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमने कैसे किया, बाय कम्यूटेटिविटी, ओके, कम्यूटेटिविटी, करेक्ट। ऐसा हमने कर दिया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चों, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ इस तरीके से, ठीक। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका सेकंड टर्म है। अब जो कॉमन आ रहा होता है, मतलब समझो, जो फर्स्ट टर्म में हो और जो सेकेंड टर्म में हो, ठीक, उसको हम बच्चों वहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, ओके। सो एक बात और बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बच्चों, देखिए कहीं 2 × −5 लिखा हो या −5 × 2 लिखा हो, बात क्या है, सेम है, ओके। 2 × −5 लिखा हो या −5 × 2 लिखा हो, बात क्या है, सेम है, ठीक। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 2/5 × −3/7 लिखो, या फिर भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको इससे करो, बात क्या है, सेम है। 2/5 × −3/7 करो या −3/7 × 2/5 करो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया अभी पता चलेगा, प्लस −3/7 × याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कॉमेटेटिव, मतलब कि हम a × b करें या b × a करें, बात क्या है, सेम है। मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से, बात क्या है, सेम। तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पर भी, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी कम्यूटेटिविटी से ही किया है, मैंने 3/7 × 2/5 लिख दिया और प्लस सेकंड वाले को ऐसे ही कॉपी कर लिया और माइनस में 1/14 तो लिखा ही हुआ है, करेक्ट बच्चों। अब आप ध्यान से चेक करो, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा क्या है, सेकेंड टर्म है। चेक करिए, फर्स्ट टर्म में −3/7 आ रहा है, सेकेंड टर्म में भी −3/7 आ रहा है। चेक करो, फर्स्ट टर्म में भी −3/7 आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है पूरा, क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो प्लस के पहले जो कुछ दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद जो दिख रहा है वो सेकेंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में भी −3/7 है, सेकेंड टर्म में भी −3/7 है, −3/7 क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी चीज़ आपको ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में दिखती है वो ब्रैकेट से बाहर आती है, यानी कि कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाती है। तो −3/7 यहाँ पर बच्चों आ गया क्या, कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये −3/7 कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ गया, ठीक। और फर्स्ट टर्म में −3/7 बाहर चला गया, क्या बचेगा, 2/5, ये मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी ना लगाएंगे, ओनली क्या बचेगा, 2/5, लो 2/5 बचा,
और प्लस माइनस 3/7 बाहर चला गया तो 3/5 बचा। ठीक, अब सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से कॉमन है तो बाहर दो बार लिखो माइनस 3/7 को। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, एक ही बार कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो देखा, अब कर्ली ब्रेसेस के बाहर -1/14 मेरे बाद ध्यान सुनो, ये क्या कर रहे हो, ये लगा रहे हो आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगर हम ठीक से देखें, कॉमन लेना तो मैंने आपको जस्ट बताया है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने आपको बताया था ना, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, याद है। ए इंटू अगर क्या लिखा होता था, बी प्लस सी, तो हम क्या करते थे, ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी। ठीक, और ऐसा अगर कहीं दिया होता था तो ब्रैकेट लगा के वापस फर्स्ट टर्म में ए, सेकंड टर्म में ए वापस कॉमन आता था तो फर्स्ट टर्म में बी बचता था और प्लस सेकंड टर्म में क्या बचता था, सी, यानी कि वापस एस, इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। तो वही तो किया है, चेक कर लो, ए इंटू बी और प्लस ये ए है, इंटू ये क्या है, बी है, प्लस ये ए है, इंटू ये क्या है, सी। चेक कर लो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए कॉमन आएगा ए की जगह, -3/7 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, बी और प्लस सी, यानी कि 2/5 और प्लस 3/5, करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये जो हमने कॉमन लिया -3/7 को, ये हमने कैसे किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सुनो, इसको -3/7 इन द ब्रैकेट क्या है, 2/5 और प्लस 3/5, अगर हम वापस इसको अंदर भेजेंगे, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा वापस से, -3/7 इंटू 2/5 और प्लस -3/7 इंटू 3/5, चेक कर लो, तो वापस वैसा ही आ जाएगा, कैसा, इसके ऊपर वाला स्टेप। ठीक, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना, लिख तो सकते हैं -3/7 को कॉमन लेके, ओके, तो हमने कॉमन ले लिया। नाउ स्टूडेंट्स, इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया, चलो अब हम फर्दर इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, हम पहुँच गए -3/7 बाहर है और यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इनटू और ब्रैकेट में क्या है, 2/5 और प्लस 3/5, ठीक, और माइनस का 1/14 है। ठीक, तो -3/7 तो ऐसे रहेगा बाहर, उसको छोड़ो, अंदर सॉल्व कर लो, ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 5 और 5 का एलसीएम 5, 5 को उठा के 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 × 1 और प्लस एलसीएम 5 है, 5 और 5 का एलसीएम कितना है, 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कि 3 × 1, सो 3 × 1, ओके, और -1/14 ये लीजिए। ठीक, नाउ अब आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा -3/7 इंटू इन द ब्रैकेट, अब देखो 2 × 1 = 2 होता है बच्चों, और प्लस, और चाहो तो आप यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, है ना, कर्ली ब्रेसेस की जगह, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अंदर कोई ब्रैकेट तो लगा नहीं है, तो कर्ली ब्रेसेस की जगह नॉर्मल ब्रैकेट लगा लो, क्या दिक्कत है, है ना। 2 × 1 = 2 और प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन में 5 और -1/14, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, 2 × 1 = 2 हो गया प्लस 3 × 1 = 3 अपॉन में 5, अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, है ना, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों कितना, -3/7 इंटू, अब देखो 2 + 3 = 5 होता है तो पूरी दुनिया को पता है, 2 + 3 = 5, ठीक है, तो ब्रैकेट में ऊपर यानी न्यूमरेटर में 5 बचेगा अपॉन में 5 ये लीजिए, और माइनस में 1/14, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि 5 × 1 = 5 होता है और 5 × 1 = 5 तो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, -3/7 तो ऐसे ही, हाँ, और इनटू में ये ब्रैकेट में क्या बचा, 1/1, अब ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अंदर कोई ऐसा माइनस का साइन तो है नहीं, है ना, 1/1 लिख दो, 1/1 लिख दो, ठीक, -1/14 लिख दो। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना आता है आप लोग को, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो -3 × 1 - 3 अपॉन में 7 × 1 = 7 और माइनस भाई 3 × 1 = 3 माइनस और 7 × 1 = 7 और फिर माइनस का 1/14 ये लीजिए। ठीक, अब ये कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, सभी बच्चे कर सकते हैं, 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है बच्चों, 14, हाँ, चेक कर लीजिए, 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है, चेक कर लीजिए, 2, ये 7 ही रहेगा,
टू सेवन जा 14, फिर 7 से ले जाएंगे, 7 वन जा 7 वन जा 2 7 जा कितना होता है 14, यानी कि बच्चों एलसीएम कितना आ गया 14, भाई एलसीएम कितना आएगा 2 7 जा 14, ठीक। तो 14 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, तो माइनस 3 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे। नाउ एलसीएम कितना है 14, 14 को 14 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। नाउ माइनस 3 इंटू 2, 3 टू जा 6, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, फिर ये वाला माइनस 1 1 जा 1 होता है अपॉन में 14, ठीक। अब ध्यान दे बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 प्लस 1 हो जाएगा कितना 7, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, इन दोनों में से बड़ा कौन है 1 और 6 में, 6, 6 का साइन माइनस माइनस अपॉन में 14, ओके। नाउ इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 बन जा 7 और 7 टू जा 14, तो यहाँ से आएगा बच्चों माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 1/2, यानी कि आंसर कितना आ रहा है माइनस 1/2, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करके, करेक्ट स्टूडेंट्स।